हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज इजी लर्निंग। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्प करता है देन प्लीज लाइक माय वीडियो। और हाँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे आपको मेरे चैनल के वीडियो सबसे पहले मिलेंगे। और उसके साथ आपको एक छोटा सा काम करना है, सब्सक्राइब के बटन के बगल में बेल का आइकन दिख रहा है, उस बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो बस इतना सा काम करना है आपको। चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चंस लाई हूँ कंप्यूटर नेटवर्किंग के हिंदी में। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि इसमें मैंने कंप्यूटर नेटवर्किंग के मेन मेन टॉपिक को कवर किया है, जैसे OSI मॉडल, TCP/IP मॉडल, और उसके अलावा टोपोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, स्विचिंग के हैं, मैसेज स्विचिंग के क्वेश्चन हैं। तो इन जो ये मेन मेन टॉपिक्स हैं जो नेटवर्किंग के पूछे जाते हैं, उनके मैंने बेसिक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट थोड़े से टफ टाइप के क्वेश्चन भी कवर किए हैं। तो स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन ईजी हैं, बीच में कुछ टफ हैं, और लास्ट में आपकी जो रेंज स्टार्ट होगी, क्वेश्चन का लेवल होगा, वो टफ ही होता जाएगा। एक दो क्वेश्चन आपको बेसिक हैं तो वो ईजी भी मिलेंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और आपको इसमें जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो सारे ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में, जिसमें कंप्यूटर नेटवर्किंग पूछा जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके हेल्पफुल ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्किंग के मानक मॉडल हैं ISO OSI रेफरेंस मॉडल, TCP/IP इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट, दोनों, या फिर लास्ट ऑप्शन है ASCII। तो इसका आंसर होगा दोनों, ए और बी। OSI रेफरेंस मॉडल और TCP/IP इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट, ये दोनों ही मानक मॉडल है कंप्यूटर नेटवर्किंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TCP/IP को किस नाम से जाना जाता है, तो और किस नाम से जाना जाता है, तो उसका आंसर है DoD मॉडल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISO OSI संदर्भ मॉडल में परतों की कितनी संख्या होती है, तो इसका आंसर होगा 7 संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISO OSI रेफरेंस मॉडल में प्रेजेंटेशन लेयर के कार्य हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डेटा इंक्रिप्शन, सेकेंड है डेटा डिक्रिप्शन, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, डिस्क्रिप्शन लिखा है बट ये है डेटा डिक्रिप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है डेटा कंप्रेशन, और लास्ट है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, ये सारे ही काम होते हैं प्रेजेंटेशन लेयर के, डेटा इंक्रिप्शन, डेटा डिक्रिप्शन, डेटा कंप्रेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वितरण जिसे डिलिमिटिंग बोलते हैं, और सिंक्रोनाइजेशन द्वारा डेटा एक्सचेंज किस लेयर द्वारा प्रदान किया जाता है, तो इसका आंसर होगा सेशन लेयर द्वारा। नेक्स्ट है, OSI का फुल फॉर्म क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल कौन सी नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है SMTP, HTTP, FTP और TCP, तो इसका आंसर होगा TCP एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है। नेक्स्ट है, एप्लीकेशन लेयर कौन सी सेवा प्रदान करती है, फर्स्ट ऑप्शन है एंड टू एंड, प्रोसेस टू प्रोसेस, दोनों, या फिर कोई नहीं, तो इसका आंसर है एंड टू एंड सेवा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल किस एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल का उपयोग करती है, SMTP, HTTP, स्लिप, या फिर FTP, तो इसका आंसर होगा SMTP का प्रयोग करती है ईमेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक वेब पेज प्रदर्शित करते हैं तो एप्लीकेशन लेयर किसका प्रयोग करता है, तो इसका आंसर होगा HTTP का, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। नेक्स्ट है, नेटवर्क लेयर इंटरमीडिएट राउटर के माध्यम से किसके लिए जिम्मेदार है, तो नेटवर्क लेयर इंटरनेट जो इमीडिएट राउटर होता है उसके माध्यम से पैकेट फॉरवर्डिंग करती है, पैकेट अग्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपीटर OSI मॉडल की किस लेयर को ऑपरेट करती है, तो इसका आंसर होगा फिजिकल लेयर, जो लेयर 1 होती है OSI मॉडल की। नेक्स्ट है, ब्रिज OSI मॉडल की किस लेयर को ऑपरेट करती है, तो इसका आंसर होगा डेटा लिंक लेयर, जो लिंक लेयर जो है वो लेयर 2 होती है OSI मॉडल की। नेक्स्ट है, राउटर OSI मॉडल की किस लेयर को ऑपरेट करता है, तो इसका आंसर होगा नेटवर्क लेयर, ये लेयर 3 होती है। नेक्स्ट है, डेटा परिवर्तन और कोड अनुवाद के लिए कौन सी लेयर जिम्मेदार है, तो इसका आंसर होगा प्रेजेंटेशन लेयर। IPv6 का एड्रेस साइज क्या है, 128 बिट हेक्साडेसिमल नंबर्स। IPv4 का एड्रेस साइज क्या है, 32 बिट। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है UDP, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, दोनों, या फिर FTP, तो इसका आंसर होगा दोनों, UDP और TCP दोनों ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से बाउंडेड मीडिया के उदाहरण हैं, कोएक्सियल केबल,
फाइबर ऑप्टिक, वेव गाइड, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी बाउंडेड मीडिया के उदाहरण है, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक और वेव गाइड। नेक्स्ट है, बाउंडेड मीडिया को किस नाम से भी जाना जाता है, वायर्ड मीडिया, गाइड मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया या फिर दोनों। तो इसका आंसर है वायर्ड मीडिया और गाइड मीडिया, इन दोनों नाम से जाना जाता है बाउंडेड मीडिया को, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड नेटवर्क कितनी दूरी तक काम कर सकता है, तो इसका आंसर होगा 2.5 किलोमीटर। नेक्स्ट है, लैंड टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। लैंड टोपोलॉजी के नाम बताइए, स्टार, बस और रिंग टोपोलॉजी। नेक्स्ट है, किस प्रकार की टोपोलॉजी के अंतर्गत सभी स्टेशन केंद्रीय स्टेशन को जोड़ने वाली कड़ी पॉइंट टू पॉइंट हो सकती है, तो इसका आंसर है स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट है, किस प्रकार की टोपोलॉजी के अंतर्गत सभी स्टेशन एक ही संचार पथ से जुड़े होते हैं, तो इसका आंसर है बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट है, एकल संचार पथ को क्या कहा जाता है, तो इसे बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी। नेक्स्ट है, किस प्रकार की टोपोलॉजी वृत्ताकार होती है और सूचना को एक ही प्रवाह में एक ही दिशा में होता है, तो इसका आंसर है रिंग टोपोलॉजी में। नेक्स्ट है, वर्क स्टेशन जिस माध्यम से सूचना के प्रसार के लिए सामान्य चैनल का उपयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो इसका आंसर होगा एक्सेस मेथड कहलाता है। नेक्स्ट है, सीएसएमए और सीडी एक प्रकार का एक्सेस मेथड है, इसका पूर्ण रूप क्या होता है, करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन, करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। नेक्स्ट है, सीएसएमए के अंतर्गत बस किस मोड में काम करते हैं, मल्टीपल एक्सेस मोड में। नेक्स्ट है, सीएसएमए के अंतर्गत इंफॉर्मेशन फ्रेम के टकराव का पता किसके जरिए चलता है, ट्रांसमिटिंग नोड के जरिए चलता है इंफॉर्मेशन फ्रेम के टकराव का पता सीएसएमए में। नेक्स्ट है, टोकन पासिंग भी एक अन्य प्रकार का एक्सेस मेथड है, इसके अंतर्गत किसकी मदद से शेयर्ड मीडियम में एक्सेस कंट्रोल होता है, तो ये किससे होता है, कंट्रोल टोकन से होता है। नेक्स्ट है, किस एक्सेस मेथड के अंतर्गत सभी नोड मिलकर एक रिंग बनाते हैं, तो इसका आंसर है टोकन पासिंग। नेक्स्ट है, नियमों के उस समुच्चय को क्या कहते हैं जो निर्धारित करते हैं कि एक नेटवर्क में जुड़े सभी नोड का एक दूसरे से संपर्क होना चाहिए, तो इसका आंसर है कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर। नेक्स्ट है, असमान मॉड्यूल के बीच सूचनाओं के संप्रेषण या आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार नियम क्या कहलाते हैं, तो इसका आंसर होगा इंटरफेस। समान मॉड्यूल के बीच संचार के नियम क्या कहलाते हैं, प्रोटोकॉल। ओएसआई के तहत कई लेयर होती हैं, खुले सिस्टम में मौजूद एप्लीकेशंस के बीच सेमांटिक आदान प्रदान में कौन सी लेयर मदद करती है, प्रेजेंटेशन लेयर। एप्लीकेशंस के बीच संरचनात्मक अंतःक्रिया और संगठन के लिए प्रविधि प्रदान करने वाली लेयर का क्या नाम है, सेशन लेयर। डाटा के पारदर्शी और विश्वसनीय स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार लेयर का नाम बताइए, ट्रांसपोर्ट लेयर। नेटवर्क्स के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए एजेंट का काम कौन करता है, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क के बीच डेटा स्थानांतरण के लिए प्रोटोकॉल और कार्य प्रदान करने वाली और एरर को पकड़ने वाली लेयर का नाम क्या है, डेटा लिंक लेयर। संचार माध्यम में डेटा के भौतिक संप्रेषण के लिए यांत्रिक, विद्युतीय, कार्यात्मक और प्रविधि संबंधी मानक निर्धारण के लिए कौन जिम्मेदार है, फिजिकल लेयर। एक माइक्रो कंप्यूटर में एड ऑन कार्ड के रूप में किसे इंस्टॉल किया जा सकता है, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट को। एक या अधिक संसाधनों का नियंत्रण करने वाला समर्पित कंप्यूटर क्या कहलाता है, इसमें लैन के लिए दोनों ही सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर लगे होते हैं, तो इसे बोलते हैं सर्वर। फाइल के लिए स्टोरेज स्पेस शेयर करने के लिए किस सर्वर का प्रयोग किया जाता है, फाइल सर्वर का। लैन के अंतर्गत प्रिंटिंग काम में लिए गए किस सर्वर का उपयोग किया जाता है, प्रिंटर सर्वर का। लैन के अंतर्गत सभी जुड़े हुए वर्क स्टेशनों के द्वारा मॉडेम और कुछ टेलीफोन लाइन शेयर करने के लिए किस सर्वर का प्रयोग किया जाता है, मॉडेम सर्वर का। वैन और लैन के बीच मुख्य अंतर क्या होता है, लैन पर कंप्यूटर के स्वामी का पूर्ण नियंत्रण होता है जबकि वैन के लिए एक अन्य सत्ता टेलीफोन कंपनी को शामिल करना होता है, ये मेन डिफरेंस है। सर्किट स्विचिंग में प्रेषक और ग्रहणकर्ता उपकरण के बीच एक निश्चित संचार पथ होता है, निम्नांकित में सर्किट स्विचिंग का उदाहरण बताइए, तो इसमें से रेडियो, टेलीफोन नेटवर्क, स्कैनर और प्रिंटर में टेलीफोन नेटवर्क है सर्किट स्विचिंग का उदाहरण। और लास्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की स्विचिंग में प्रत्येक स्विचिंग मोड नोड एक संदेश प्राप्त करता है और थोड़ी देर के लिए संग्रह करते हुए फिर अगले नोड को प्रेषित कर देता है, इस स्विचिंग में एक निश्चित पथ की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसे बोलते हैं मैसेज स्विचिंग। तो ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे।
और मैं ऐसे ही वीडियोज़ और लाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।